हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बीच मची कलह को देखते हुए हाईकमान सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव की देखरेख के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन और पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उनके 60 से ज्यादा समर्थकों को टिकटें दी हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट की नाराजगी कहीं पार्टी का नुकसान ना करे, इसको लेकर हाईकमान नजर रखेगा। उधर नई दिल्ली में आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांडी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल सहित पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पटका पहनाकर उनको पार्टी में शामिल करवाया। भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाने पर लेने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से है। जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में विपक्ष को निशाने पर लेने का काम कर रही हो, आपने देखा 10 वर्ष से क्या हुआ है, आपने देखा लोकसभा से चुनाव से पहले 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल तक पहुँचाने का काम राजनीतिक इशारों पर किया गया था, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जो ये बेल मिली है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं।